गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ विद्याश्रम पब्लिक स्कूल। सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, पेजेस फ्रॉम अ डायरी। एक डायरी जो राइटर है इस चैप्टर की, उस राइटर ने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी। बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि वो एक डायरी डेली रूटीन में जो भी वो दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्क करते हैं उसको रात को डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो राइटर है उनकी भी ऐसी ही हैबिट थी और डायरी के ही एक पेज, डायरी का ही एक पेज के बारे में यहाँ पर ये जो है एक्सट्रैक्ट ये दिया गया है। यहाँ पर ये जो स्टोरी, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये संडे को 18 जनवरी 1998 को लिखा गया था। ठीक है, संडे 18 जनवरी 1998 को लिखा गया था। सो लेट्स बिगिन। द बिग आइस स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टोरी है इसमें एक आइस स्ट्रॉन्ग, जहाँ बर्फीले जो एरिया होते हैं, जो आइसी स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जब आइस बर्फ, जिस नॉर्मल हमारे यहाँ तो क्या होता है कि मिट्टी तूफान में क्या होता है, मिट्टी वगैरह होती है, पेड़ पौधे अखबार इस तरह की चीज़ें उड़ उड़ के आते हैं। लेकिन जब बर्फीली जो जगह होती है, जो आइस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे बर्फ में भी, आइस में भी स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। और ये हिल स्टेशन के बारे में, इसमें जो जगह है वो एक हिल स्टेशन है। ठीक है, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 116। I was reading a scary story about 2 weeks ago. Suddenly, the lights went out. The room was dark and outside it was even darker. I thought that my brother was up to his tricks again, but he said that it wasn't him. वो कह रहा है कि वो जब वो एक scary book, एक book पढ़ रहे थे, मतलब इसके यदि डरावनी एक बुक पढ़ रहे थे 2 वीक्स अगो, 2 सप्ताह पहले, जो 18 जनवरी है, 18 जनवरी, उससे 2 वीक्स पहले जो है ये एक बुक पढ़ रहे थे, तभी सडनली क्या हुआ, लाइट्स वेंट ऑफ, चली गई। तो उन्हें ये लगा कि उनका जो भाई, छोटा भाई है, वो ट्रिक्स कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो उसने जब देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बहुत डार्कर हो गया है, तो उसने अपने भाई से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? तो ब्रदर बोला, नहीं, आई वाजंट नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो डैड गॉट द टॉर्चेस आउट टू मेक इट अ लिटिल ब्राइटर। जो उनके डैड थे, वो लाइट को दिखाने के लिए बाहर से क्या लेके आए, टॉर्च लेके आए। जस्ट देन वी ऑल हर्ड द मोस्ट टेरिफिंग नोज। इसके बाद जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादा टेरिफिंग, बहुत फ्राइटेंड, डरावने वाली आवाज सुनी। Dad had hung a small wooden swing from the branches of the tree. Dad ने क्या बोला? Had hung a small wooden swing from the branches of the tree. I watched its ropes snap a second before it fell to the ground. The wind howled forcefully. Half of the tree came crashing down with a loud bang. I was sad and really scared to see this. वो कह रहा है उसे जब बाहर देखा तो एक जो पेड़ है, एक ट्री है, वो हवा से टूटता हुआ उसे दिखाई दे रहा था। और जब वो नीचे गिरा तो बहुत जोर से बैंग आवाज आई, और उस आवाज सुनकर जो है राइडर ये में जो है बहुत ज्यादा स्केयर्ड हो गए, डर गए। मॉम एंड डैड लेट अस स्टे अप अ वाइल, वी रैप्ड आवरसेल्फ इन द थिकेस्ट ब्लैंकेट एंड वी कुड फाइंड। वो कह रहा है कि हम इतना डर गए थे कि जब हम दोनों भाइयों ने अपने आप को जो है थिकेस्ट मोटे से कंबल में, ब्लैंकेट में कवर कर लिया अच्छे तरीके से, देन वी सैट बाय द विंडो, और हम विंडो के पास बैठ गए, लिसनिंग टू ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, और सुनते रहे जब धीरे धीरे एक पेड़ दूसरा पेड़ जो है वो आपस में टकरा रहे थे, टूट रहे थे, कोई गिर रहा था, उनकी जो साउंड थी वो सुनते रहे। Our dog curled up beside us. हमारा जो डॉग था वो भी बिल्कुल छुपक के, बिल्कुल छोटा सा होकर हमारे पास, curl, roll, fold होकर हमारे पास बैठ गया। I fell asleep.
माई ब्लैंकेट कवरिंग माई हेड. मैंने अपना हेड जो है ब्लैंकेट से कवर कर रखा था और मैं जल्दी सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज बिट कामर. आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो. जब मैं नेक्स्ट डे उठा मॉर्निंग में तो बहुत थोड़ा सा ही काम शांति थी. उसने आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा. ऑल आई कुड सी एवरीवेयर वॉज आईज. और मैंने जब विंडो से बाहर देखा तो चारों तरफ जो है आईज ही आईज थी. वी डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग इट वुड बी बिफोर वी वुड हैव इलेक्ट्रिसिटी अगेन. वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि लाइट कब तक आई. वो लाइट उस जब स्ट्रॉन्ग वाली नाइट हुई थी तब से वो मॉर्निंग तक लाइट नहीं आई थी. लकीली वी हैड अ वुड स्टोव टू कीप अस वार्म. कह रहा है लकीली मतलब किस्मत से हमारे पास एक स्टोव था, वुडन स्टोव था, जिससे कि हम जो है गर्माहट पा रहे थे. लाइट किसलिए गई थी? बिकॉज लाइट हैड गॉन बिकॉज नो वन लाइट्स वेयर ऑन बिकॉज अ ब्रांच हैड हिट द इलेक्ट्रिसिटी इन आर नेबरहुड. क्योंकि एक ब्रांच ने जो है ट्री की ब्रांच ने इलेक्ट्रिसिटी की जो पोल होते हैं उसको हिट कर दिया था और वो लाइट चली गई थी. और वो लाइट कब तक आएगी राइटर को नहीं पता था. अ फ्यू डेज लेटर सम वर्कमैन केम. कुछ दिनों बाद वर्कमैन आए, इलेक्ट्रिसिटी वर्कमैन आए एंड पुट अप सम इलेक्ट्रिसिटी पोल्स. और कुछ उन्होंने पोल्स लगाए. मॉम इनवाइटेड देम. मॉम ने उन्हें बुलाया बट दे डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड. पर उन्हें कोई खाना नहीं चाहिए था. दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट वार्म. बस वो थोड़ी देर के लिए वार्म, क्योंकि बहुत आइसी आइसी थी, बहुत ठंड लग रही थी उन लोगों को काम करते करते और वो थोड़ी सी गर्माहट चाहते थे. एंड गेट द पावर ऑन अगेन तक और लाइट को चालू करना चाहते थे. द स्टॉर्म टर्नड आउट टू बी मोर फ्राइटनिंग देन द स्टोरी. जो स्टॉर्म उस दिन आया था रात में वो इतना ज़्यादा खतरनाक था जितना मेरी जो वो जो स्केरी बुक जो डरावनी बुक राइटर पढ़ रहा था उससे भी ज़्यादा डरावना क्या था वो स्टॉर्म था. द स्टोरी आई हैड बीन रीडिंग जो राइट बुक में पढ़ रहा था उससे भी ज़्यादा स्केरी था. आई फाउंड आउट लेटर दैट द न्यूज़पेपर कॉल्ड इट. अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो उसने न्यूज़पेपर में देखा कि उस न्यूज़पेपर में उस स्टॉर्म को क्या कहा गया है. द स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी. सेंचुरी का यानी 100 सालों में सबसे खतरनाक जो सबसे भयानक जो स्टॉर्म आया उस स्टॉर्म को इतना भयानक बताया गया था. द स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी. ठीक है. व्हाट वर द न्यूज़पेपर कॉल्ड द स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी.